हेलो, अगर आप हेयर लॉस से गुजर रहे हो या फिर आप हेयर ग्रोथ चाहते हो, एलोपेशिया, पार्शियल एलोपेशिया, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो वो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जो आपको हेयर को हमेशा की तरह बचा सकता है हेयर लॉस प्रॉब्लम से है अनियन, प्याज, इसका रस बेसिकली। तो ये अनियन की प्रॉपर्टीज़ हम पहले सुन लेते हैं कि क्या है, वाई इज़ इट मैजिकल। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन आपके हेयर फॉलिकल्स में इम्प्रूव करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से नरिश करता है। अनियंस में एक्चुअली बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ताकि अगर स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रही है, तो इसको एकदम क्योर कर देता है। अनियन के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है कैटालेस, जो बिल्कुल ही अच्छी है हेयर लॉस के लिए। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है कैटालेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग को भी स्टॉप करता है। ये है ऑनियन जूस। सो आफ्टर दिस वॉट यू कैन डू इज दैट, आपने जब ये रस लिया, अनियन रस, ये बेसिकली यू टेक इट ऑन योर फिंगर्स और यू कैन डैब, अ कॉटन बॉल भी आप इसमें डैब कर सकते हो, और फिर इसको ग्रेजुअली अपने रूट्स में ऐसे करते रहो। जहाँ जहाँ भी आपको पार्शियल एलोफेशिया या हेयर फॉल की ज़्यादा समस्या है, आप उसमें ग्रेजुअली मसाज करें, एक ऐसे आप लेके इसको मसाज करें ग्रेजुअली, लाइक एवरीवेयर ऑन द रूट्स। मतलब हेयर फॉल के लिए ये इतना इतना बेनिफिशियल है, जैसे मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता भी दिया है, ये हेयर ग्रोथ भी करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसको डेली भी कर सकते हो। डेली करने के बाद आप इसको कुछ देर रखो, लाइक कीप इट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, हाफ एन आवर से 1 आवर तक आप अपने सर पे आप ऐसे ही रख दो। फिर अपना हेयर वॉश कर लो नॉर्मल, ठीक है। आप अपना खुद का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो जो आपको बालों को सूट करे, या अगर आप रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल पानी से धोना चाहते हो, तो भी ठीक है। हल्की सी स्मेल हो सकती है स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप शैम्पू कर लीजिए, ताकि हर एक स्मेल चली जाए। और हाँ, विंटर के लिए, क्योंकि आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाएगी, बहुत मोस्टली डैंड्रफ की समस्या हो सकती है, तो रेगुलर हॉट एंड मसाज इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड। मतलब आप ज़रूर रोज़ करें ट्राई, और आप देखोगे कि बहुत फ़र्क पड़ता है। लेमन, नींबू का रस लगाए अपने सर में, ताकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम एकदम कर्व हो सके। मतलब अगर आप थोड़ा ऑलिव ऑयल के साथ या फिर कैस्टर ऑयल के साथ थोड़ा नींबू का रस लगा के एकदम स्कैल्प पे अच्छे से रोज़ घिसो ना, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो ऐसे उड़न छू हो जाएगी। सीरियसली, मैंने बहुत सारे ऐसे हेयर केयर पे वीडियोस बना के रखा है, ये रही प्लेलिस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप सारे मेरे बाकी जो इतने अच्छे अच्छे हेयर केयर टिप्स हैं सब आप देख सकते हो, सब आपके लिए हाजिर है। कृपया इस लिंक पे क्लिक करें और एंजॉय करें। आई होप ये वीडियो बहुत बहुत आपको मतलब शोभा दे, आपको पसंद आए। मैं यूजुअली ऐसी कोई मैजिकल चीज़ ऐसे मैं गारंटी नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो है ये मैं बचपन से मुझे पता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया हुआ है, एंड ये सीरियसली मैजिक की तरह वर्क करता है। आप एक हफ्ता दो इसको, बस एक हफ्ते में आप देखोगे कि मतलब जो आपकी रूट्स है या फिर जो आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है या फिर हेयर ग्रोथ की इश्यूज़ है, एलोफेशिया की इश्यूज़ है, बहुत आपको थोड़ी मतलब एक हफ्ते में फ़र्क नज़र आएगा। और एक महीने बाद तो आप समझ लोगे कि ओ माई गॉड, आई एम बैक ऑन ट्रैक। बट इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये आप करते रहें बेशक जब तक आपकी हेयर ग्रोथ ना हो, हेयर फॉल कम ना हो जाए, अलॉन्ग विथ ऑल दिस थिंग्स जो इस लिंक पे है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड आई रियली लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो लाल आपको नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करें। उसके बगल में एक बेल है, उस पर भी क्लिक करें, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड हो मतलब होते रहे जितना भी बार मेरे नई वीडियो के साथ आओ। सो आई सी यू गाइस लेटर, बाय, टिल देन।